इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले जा रहे। अब वो रुद्र और इंद्र इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए नए आ रहे। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देवी देखी तैसी, इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई। हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं है, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। सुजल सुफल मलय ज शीतल ये रही है परंपरा से, और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना भरपूर ये देती है कि बिना झगड़ा किए हम साथ में रह सकते हैं। ये पुरानी बात थी, आज भी इसकी शक्ति यह है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन आज की हमारी पूरी जनसंख्या को यह भूमि आराम से पाल सकती है। भविष्य में खतरा है, उसको समझ के ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि यह भूमि हमें पाल सकती है, और इसलिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ा। और इसका भूगोल ऐसा है कि पुराने जमाने में बाहर से किसी का आना मुश्किल है, और आ गए कोई तो आओ भाई, रह जाओ तुम भी, ऐसा हमको रहना पड़ा। तो हमको ये कभी कल्पना नहीं है कि कोई दूसरा है, हमसे अलग है, भाषा तो भी पहले से अलग अलग है। मैंने अथर्ववेद उसमें रुचा है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम, अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले, ये कोई आज की भाषा नहीं है हमारी। उपनिषदों में कथा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उसके पास पांच लोग गए, एक पृथ्वी की पूजा करता था, एक अग्नि की, एक वायु की, पूछने के लिए गया कि किसका सा है। तो उसने पूछा आप किसकी पूजा करते हो, उसने कहा अग्नि की। हाँ, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ ठीक कर रहा है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे घर में समृद्धि है। दूसरे को पूछा तुम वायु, हाँ इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है, सबको यही कहा उसने। फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है। हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है, वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते इसलिए दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते हो। यह हमारा देश है, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी तहजीब है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए, और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। सर मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषण में, मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते, अब ये बात मैं कह रहा हूं, तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए, आप ये जरूर कहेगा, क्योंकि ठोकने लगी है। कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसे ऐसा मामला नहीं है, ये आप लोग नहीं समझते, ऐसे भी होंगे, चलेगा ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज की भावना संघ बोलता है, आज स्थिति है, क्योंकि नीचे तक हमारे स्वयंसेवक है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं हमारे पास आता है, हम उसके अनुसार बताते, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। हिंदू समाज अपने परंपरा प्रकृति बुद्धि मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम संघ कर रहा है, संघ हिंदू संगठन करता है, इसका मतलब बाकी लोगों को पीटने के लिए नहीं है।